मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन कौन हैं, किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जिन्हें राजनीति विरासत में मिली, जिन्होंने घर पर ही सियासत का ककहरा सीखा, जिन्होंने कम उम्र में पॉलिटिक्स की राह पकड़ी, जो कभी कार्यकर्ता नहीं रहे सीधे नेता बने, अब उन हेमंत सोरेन के हवाले झारखंड की किस्मत है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अगुवा रहे शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पुरानी गलतियों से सीख ली, 2014 में अकेले चुनाव लड़ने की भूल को इस बार सुधारा और कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन किया। नतीजा ये हुआ कि इस गठबंधन ने मैदान मार लिया, सत्ताधारी बीजेपी को पछाड़ दिया। झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा में हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ। पढ़ने के लिए पटना गए और 1990 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। पटना से ही 1994 में इंटरमीडिएट यानी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रांची के BIT मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। सिर्फ 12वीं पास हेमंत सोरेन के सामने स्थिति ऐसी आ गई थी कि उन्हें कम उम्र में ही राजनीति में उतरना पड़ा और पार्टी के साथ साथ परिवार को भी सहारा देना पड़ा। गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के राजनीतिक गुरु भी साबित हुए। पिता के साये में सियासत की ABCD सीखते चले गए और फिर विधायक, सांसद, डिप्टी CM, CM तक का सफर 5 साल के अंदर ही तय कर लिया और अब फिर से एक बार फिर झारखंड की कमान संभालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन के संसदीय सफर की शुरुआत 24 जून 2009 को तब हुई जब वो राज्यसभा के सांसद चुने गए। 2009 के दिसंबर में ही पहली बार हेमंत सोरेन दुमका सीट से विधायक भी चुने गए। JMM ने जब BJP को समर्थन दिया तब 11 सितंबर को हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा सरकार में डिप्टी CM बने और 8 जनवरी 2013 तक इस पद पर रहे। 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन से पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और करीब 1.5 साल तक इस पद पर रहे। 2014 में BJP सत्ता में आई, रघुवर दास CM बने और हेमंत सोरेन को नेता विपक्ष बनना पड़ा। 5 साल तक नेता विपक्ष रहने के बाद अब हेमंत सोरेन का CM बनने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। सड़क हो या सदन, हर जगह हेमंत सोरेन रघुवर सरकार को घेरते रहे। चुनाव प्रचार में भी उनके निशाने पर BJP और रघुवर सरकार रही। जो रघुवर दास 65 पार का नारा लगाते थे, उनका हेमंत सोरेन मखौल उड़ाते रहे, कहते रहे नंबर गेम वो खेलें, हम तो राजनीतिक योद्धा हैं, या तो जीतेंगे या फिर हारेंगे। और इस चुनाव में जीत का ताज उनके सिर पर सज ही गया। सोरेन पिता पुत्र के साथ बदनसीबी ये रही कि दोनों ने कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। कहने को तो शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीनों बार कुल मिलाकर वो 1 साल भी कुर्सी पर नहीं रह पाए। उनके बेटे हेमंत सोरेन भी सिर्फ 1.5 साल तक के लिए CM रहे और अब गठबंधन के रास्ते सत्ता उनके हाथ में आ रही है
तो देखना होगा कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।